आजकल लोग दिखावा कितना करते हैं। शादी में दूल्हा तलवार लिए रहता है, पर चलती बेलन की ही है। साले मजाक बना के रखते हो यार, कुछ है ही नहीं करने को, चलो लड़ाई करते हैं। बेबी इस दुनिया में सबसे अच्छा पालतू जानवर कौन सा है? अरे मुझे क्यों देख रही हो? क्योंकि तुम मुझे उदास शायरी नहीं मिल रही दोस्तों, क्या आप लोग यकीन कर लेंगे कि मैं उदास हूँ? दिल खाया करूँ। दिल ठीक है, मेरा तो मन करता है दिमाग खाऊं बस लोगों का, मैं तिल तुल में बिलीव नहीं करती। अगर आपकी पत्नी शांत स्वभाव की है तो ये खुश होने वाली बात नहीं है, बल्कि चिंता का विषय है, क्योंकि हाई क्वालिटी के रिवॉल्वर में ही साइलेंसर होता है। इंसान को हमेशा दिल की सुननी चाहिए, काम वो करो जो दिल को अच्छा लगे। मतलब सारा दिन मोबाइल ही चलाना है तो साफ साफ बोलना, इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? पैसा सारी मुसीबतों की जड़ है। हाँ तो वो जड़ मुझे दे दो। बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, शादी कर देते हैं तुम्हारी। जी पापा जी। तो कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? पिंक कलर का। नो 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 नो। हर घर का एक ही लॉजिक है, फोन खराब बच्चे की गलती, बच्चा खराब फोन की गलती। कभी कभी तो सोचती हूँ कि ये तमाम दौलत शोहरत ऐसो आराम त्याग कर हिमालय पर चली जाऊं सन्यास लेकर, पर फिर सोचती हूँ पहले ये सब मिले तो सही। सुनो गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, इस बार हम कहाँ जाएंगे? मैं सोच रहा था एक ही परिवार पे बोझ नहीं बनते हैं, तुम अपने मायके चली जाओ, बच्चों को उनके नानी के घर भेज देता हूँ और मैं अपने ससुराल चला जाऊंगा। ये ठीक रहेगा। मेरी ही गलती है, मुझे भी ना किसी समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। कोई भी समझदार औरत ना आपसे शादी नहीं करती। ये बात तो सही गई तुमने। कभी कभी तो सोचती हूँ कि ये तमाम दौलत शोहरत ऐसो आराम त्याग कर हिमालय पर चली जाऊं सन्यास लेकर, पर फिर सोचती हूँ पहले ये सब मिले तो सही। आज के बाद किसी को सलाह नहीं दूंगा। एक दोस्त था, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। हाँ? मैंने उसको बोला लटका कर, पंखा पे लटक गया। मेरा नाम लिख के चला गया थाने में, पुलिस पीछा पड़ी। टेंशन लेने की इतनी आदत हो गई है कि अगर कभी टेंशन ना हो तो भी टेंशन होने लगती है। साला सब ठीक कैसे चल रहा है? मोटी हो गई तो तुम मुझे छोड़ नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं यार। और अगर मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगी तो? अब तक छोड़ा तुझे। सुनो थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, दवाई दे दो एक। आपको कितनी बार बोला ठंडे पानी से बर्तन मत धोया करो, लग गई ना ठंड। ये लो मीनाक्षी, तुम्हें याद है पहले दुकानदार दुकान के बाहर क्या करते थे? नींबू मिर्ची एज ए टोटका लटकाया करते थे, है ना? और वो फिर क्या करते थे, हर शनिवार को उसे चेंज करते थे, बाकी जो पुराना होता था उसे रोड पे ऐसे ही फेंक देते थे, है ना? और एक कहावत भी तो प्रचलित थी उस टाइम कि जो व्यक्ति उन नींबू मिर्ची पे पैर रखेगा तो यार उसको बड़ा ही बदसूरत जीवन साथी मिलेगा, है ना? है ना? मैं तो ध्यान रखता था यार, कभी भी गलती से पैर नहीं रखता था उनपे। उसका नतीजा देखो, मुझे तुम मिल गई। तुम्हारी क्या सोचती है इस बारे में? नहीं सुना तो मैंने भी था इस बारे में। अच्छा? लेकिन मैं ना इन बातों पे विश्वास नहीं करती थी और मैं ना रोज उनको ना ऐसे पैरों से कुचल के जाती थी।
और देखो नतीजा। काश मैं उनसे बच के चले गई होती।